लग्जरी वेडिंग्स होती है यहाँ पे, बड़े बड़े लोग आते हैं, अमीर लोग। तुषार हमको करा रहा है कुछ इस तरह की ऑफ रोडिंग। नीचे देखिए, यहाँ से खाई और यहाँ से चढ़ाई। क्या अमेजिंग व्यू है भाई। ओ भाई, ओ भाई। ये है असली और ये है हम कहाँ जा रहे हैं? हम आगे जा रहे हैं। तुषार ने कोई जगह बताई, कोई तो जगह, हम भी गए कोई तो जगह, और एक्सप्लोर करके नीचे करके फिर हम लोग मंदिर सोते आइए करते हैं एक्सप्लोर साथ साथ। गाइस, आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पत्थरों का एक चूल्हा बना रखा है लोगों ने, और जब भी कोई आते हैं यहाँ पे शरणार्थी या क्या बोलते हैं टूरिस्ट, और उनको कुछ पका के खाना होता है यहाँ पे। कई बार दाल बाटी का प्रोग्राम करते हैं लोग यहाँ पे आके, पार्टी करते हैं, फैमिलीज के साथ आते हैं पिकनिक मनाने, और फिर यहीं पे कुक करके खाते हैं। तो देखिए, ये है चूल्हा, इस तरह का कुछ चूल्हा बनाते हैं और फिर वो यहाँ पे कुक करते हैं, खाना बनाते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ राजस्थानी देसी खाने को, जो कि दाल बाटी है, मक्के की रोटी है, दाल है और सरसों का साग, जो कि पंजाबियों का भी एक ट्रेडिशनल फूड होता है। यहाँ पे भी लोग बहुत ही चाव से खाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। व्हाट एन अमेजिंग व्यू यार, मजा आ रहा है। हाँफ रहे हैं, पसीना है, लेकिन जोश और जुनून अभी भी बहुत सारा है। इंजॉय करते साथ साथ। अब हम आपको बताएं, आओ हमारी हवेली पे, और हवेली वही हवेली हमारी। वाह यार, ये तो बड़ा ट्रेडिशनल दरवाजा बना हुआ है, और ये हमारा एक ट्रेडिशनल आदमी खड़ा है इधर। तुषार लेके जा रहा है मैं ऑफ रोड, और ये हम लोग यहाँ से ऑफ रोडिंग करने वाले हैं ऑन फुट। तो तुषार ने एक जगह एक्सप्लोर की है, लेट्स गो, देखते हैं वहाँ पे क्या है। आ जाओ, लेट अस एक्सप्लोर। वाह, मैं वही निकल पाएगा जैसे मैं। हाँ ठीक है, मैं आप यहीं रुक जाओ, हम देख के आते हैं। मैं निकल गई हूँ। ये हमारे लिए टास्क है, टास्क की तरह करेंगे। नीचे से ना निकल के ऊपर से निकल रहे हैं। हम देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आराम से यहाँ पे। वो देखो उधर क्या नजारा है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने है, ये वाली, ये बिल्डिंग है जग मंदिर, जग मंदिर पैलेस। हाँ, जग मंदिर। ये एक होटल भी है, एक रेस्टोरेंट भी है, और एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे वेडिंग्स होती हैं, लग्जरी वेडिंग्स होती हैं। यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, अमीर लोग, हम जैसे लोग सिर्फ खाने जाते हैं मजे से और खा खुआ के वापस आ जाते हैं, लिफाफा भी नहीं देते हम तो। हम तो ऐसे वाले लोग हैं। आप में से भी कोई ऐसा हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो अब हम जा रहे हैं। हाँ, ये भी है, तुषार भी है। लेट्स गो। तुषार हमको करा रहा है कुछ इस तरह की ऑफ रोडिंग। नीचे देखिए, यहाँ से खाई और यहाँ से चढ़ाई। और इस पार्ट को एंजॉय कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ ले जा रहा है तुषार हमको, क्या डेस्टिनेशन सरप्राइज। और यहाँ, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। ये है असली और ये है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, राजाओं की स्टेयर्स हैं ये, राजाओं की स्टेयर्स। नौ नौ फीट, बारह बारह फीट के भी राजा देखे हमने फोटोज में। ये है सिटी वॉल, शहर कोट। वाकई में यार, क्या जगह एक्सप्लोर करी है तुषार, मजा आ गया। अभी मेन व्यू तो देखा ही नहीं आपने। ओ भाई, ये भाई, ये सीढ़ियां क्लाइम करने में जान निकल रही है हमारी, एक एक दो दो इंच की सीढ़ियां है भाई। ये देखो भाई साहब, ये यहाँ से आपको वीडियो में बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन हमारी तो जान निकाल रहा है। हाँ, कितना बड़ा है। ओ भाई, लेकिन लेकिन है बड़ा अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। ये देखिए, ये जा रहा है तुषार बड़ा स्टाइल से और फास्ट स्पीड में। ऊपर चल के मिलते हैं यार, थोड़ा चढ़ लेते हैं। गाइस, जो मैं देख रहा हूँ ना यहाँ से, आप लोग भी देखेंगे तो बहुत चक्के रह जाएंगे। क्या नजारा है बॉस, क्या नजारा है यहाँ से यार, ये देखिए। हाँ तुषार, कहाँ जाना है अपने को? सामने वॉच टावर दिख रहा है। और ये रहा अलग लेवल का, ये जो दिख रहा है ना सामने, वो वॉच टावर है, और वो है हमारा टारगेटेड डेस्टिनेशन मंदिर से पहले, फिर हम जाएंगे मंदिर माता जी के। सो गाइस, नेक्स्ट लेवल एडवेंचर है, मजा आ रहा है।
यहाँ पे हो रही है पुशअप्स, कंपटीशन हो रहा है कौन कितना कर पाता है। तुषार कम ऑन तुषार, 10 तो करेगा यार तू। 7, 8, 9, 10 yes, विनर तुषार इज द विनर। और ये स्पोर्ट्स पर्सन पस्त हो गया यहाँ पे, अब नहीं हो पाएगा, अब हो गया। यहाँ पे भैया भाभी पुशअप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर मुझे हराने का सोचेंगे। और हम लोगों में शर्त लगी है 5 पुशअप की, तो लेट्स सी। और जो भी हारेगा वो नाश्ता खिला रहा है अभी। रेडी स्टार्ट, 1 स्टार्ट करें, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 भाभी ये कौन से पुशअप्स थे? 8 हुए, 8 हुए ना। हाँ हम लोग काफी नजदीक आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के, जो कि है क्या है, ये क्लॉक टावर है जो स्कैम हुआ है ना हमारे। तो अब देखो ये है पॉइंट है जहाँ पे आपको पूरा उदयपुर शहर दिखेगा और आपको सनराइज पॉइंट बोल सकते हैं इसको। तो अभी बज चुके हैं 7:30 और हम आपको लेके चल रहे हैं उधर बिल्कुल ऊपर, लेट्स गो। हमने वहाँ पे बहुत फोटो शूट कर लिया है जिसके हम आपको शॉर्ट्स दिखाएंगे और हम जा रहे हैं ऊपर एकदम टॉप पे। और ये है मौसम बहुत अच्छा है आज उदयपुर में और बारिश जैसा हो रहा है तो काफी बादल बादल हो ये रहा है मौसम का हाल, बादल बहुत हो रहे हैं देखिए और बहुत मजा आ रहा है। ये है हमारा ऊपर चढ़ने का रास्ता। ये यार कुछ भी हो जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है ना, इनके ये ब्यूटी है कि इनकी सीढ़ियां इनके चढ़ने के तरीके, एक एक इंच की सीढ़ियां बना रखी है भाई, मतलब आपको स्क्वाट मारने की जरूरत ही नहीं जिम जाके इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद, तो यस अपने आप में लेग वर्कआउट हो जाएगा यहाँ पे। सो गाइज ये है हमारा ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर जाते हैं फिर मिलते हैं। एक एक इंच की सीढ़ियां है, शूट करते करते चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे। गाइज आप फिंगर टिप पे जो देख रहे हैं ना पहाड़ के ऊपर, एक बड़ी सी या यहाँ से छोटी सी सफेद रंग की एक इमारत दिख रही है, इसको बोलते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट। उदयपुर के टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, काफी हाइट पे है, वहां तक तो गाड़ियों से ही जाना पड़ता है, बाय फुट आप नहीं जा सकते हो, बहुत लंबा रास्ता है। एक छोटा सा विजिट हम करेंगे वहां पे और आपको वहां का भी व्लॉग दिखाएंगे। फिलहाल के लिए ये है और ये है गाइज, ये जो एक एक इंच की सीढ़ियां हैं ये चढ़ के हम यहाँ तक आ चुके हैं और अब ये आधे आधे इंच की सीढ़ियां चढ़ के यहाँ जाना है, तो लेट्स गो टुगेदर। और यहाँ से आप शहर का व्यू देख लीजिए, क्या अमेजिंग व्यू है भाई। यह है वो फुटपाथ जहां से हम लोग वॉक करके आए हैं अभी। सो गाइस टावर देख के हम लोग आ चुके हैं नीचे और अब नीचे जा रहे हैं। नीचे का नजारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप भी देखिए हाफ रहे यार। ये है जिगजैग सीढ़ियां, यहाँ से ये यूं जाएगी यूं जाएगी और ये हमारी जनता जा रही है। और हमने कुछ रिकॉर्ड किया था, जो रिकॉर्ड लिया उसके लिए वापस सीधे चढ़ के और आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना है। हां हमारे प्रिय कैमरामैन ने रिकॉर्ड का बटन ही नहीं दबा। चलिए भाई नीचे उतरते हैं यहाँ से, हाफ रहे भाई भयंकर हाफ रहे ले बॉस। अब हम आपको बताते हैं कि बबूल का बबूल इसमें जो फलियां लग रही है इसमें जो फलियां लग रही है ना, ये अपन जो शीतला माता के दिन जो बासुड़ा खाते हैं ना तो पचकुटे की सब्जी बोलते हैं, तो जो लोग राजस्थान से होंगे वो समझ लेंगे कि ये फलियां हैं सब्जी क्या होती है। और ये बबूल की झाड़ है। हाँ इसकी जो फलियां है ना पचकुटे के दिन काम में, शीतला माता के दिन काम आती है, बासुड़ा बनता है ना फलियां भी यूज होती है। ओके कहते हैं कि कांटेदार पेड़ भी किसी ना किसी काम आता है। नाइस ग्रेट इन्फो। और दोस्तों ये जो बंदा खड़ा है ना ये कुछ सुंदर सी लड़की ढूंढ रहा है, तो प्लीज इसकी मदद करें, जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो कमेंट में डाल दे, नाम पता नंबर डाल दे। ऐसे बंदर झूलते हैं ऐसे झूलते हैं बंदर। अरे वाह तुम भी बंदर से कम नहीं लग रही हो आपका क्या कहना है?
नो कमेंट। मार खाने का कोई शौक नहीं। हैरान हो गया तो ये भाभी को हो क्या रहा है, क्यों पत्थर आ गई। वाओ ये लटकिंग बंदर है, ताकत तो है। हाँ हम सब तो निकल के आ चुके हैं और यहाँ पे इनके निकलने के बाद ये इंसान बैग के साथ ही बैग गया। और बैग तो हटाओ यार, अरे कोई बैग हट। हाँ और नीचे और निकल लिया। गजब गजब, मान गए भाई मान गए। डोंट चैलेंज द चैंपियन।